अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता है कि हम अपना जो है बूम एंड क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें से हमारा जो है अभी के लिए एक मज़ीद टॉपिक आ चुका है। ठीक है, लास्ट जो हमारा पार्ट 3 था तो उसमें हमने जो है वो हिडन डाइवर्जेंसेस को चेकआउट कर लिया था। ठीक है, क्योंकि डाइवर्जेंस की टाइप्स हमने डिस्कस की थी, ये चार होती हैं। ठीक है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है, रेगुलर बीरिश है, हिडन बुलिश एंड हिडन बेरिश है। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये है सबसे पहले कि हमने इन दो को तो स्टडी कर लिया था, लेकिन अब हमने जो स्टडी करना है वो हमने रेगुलर बुलिश एंड रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंसेस को स्टडी करना है। ठीक है, तो आज हम उनको इंशाल्लाह ताला देखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और फर्दर स्टडी कर लेंगे बूम एंड क्रैश के बारे में। ठीक है, एंड होप सो दिस इज मोस्ट यूजफुल लेक्चर्स फॉर यू इन द बूम एंड क्रैश प्रॉफिटेबल। तो अब हम जो है वो चलते हैं जी रेगुलर बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंसेस की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं, जैसे हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया तो इस तरीके से, तो आप लोगों ने जैसे एक पेयर सर्च आउट कर लिया, जैसे बूम है। ठीक है, बूम 500 है और इसको आप लोगों ने देखा जी M15 या H4 पे आप देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये आपने H4 के ऊपर इसको H1 पे बल्कि ओपन कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आप लोग जब देख रहे होते हो हिडन डाइवर्जेंसेस, तो हमने देखा था कि उसके लिए हमारे जो इंडिकेटर्स थे वो ज़रा डिफरेंट थे। ठीक है ना, जो हम एक हिडन डाइवर्जेंसेस देख रहे थे उसमें इंडिकेटर्स डिफरेंट थे। तो मेन मकसद ये होता है कि हमने एक राइट इंडिकेटर जो चूज़ करना है फॉर द डाइवर्जेंसेस वो कौन सा है। तो ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो रेगुलर डाइवर्जेंसीज हैं उनके लिए जो इंडिकेटर बेस्ट है वो है MACD। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में हम जाएंगे, यहाँ पे हमने सर्च करना है MACD। आप लोग इसको सर्च कर सकते हो MATLAB 5 में भी, तो नो डाउट हर चीज़ वहाँ पे भी अवेलेबल है MACD। तो इस तरीके से हमने उसको लगा लिया MACD को और इसको हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये MACD रह गया। इसमें MACD हमें जो इस रेशियो से लगा ऑटोमेटिक, तो ये हमें बता रहा है जी मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का सिग्नल दे रहा है हमें। तो अब हमने इसके ऊपर डाइवर्जेंसेस अपने इंशाल्लाह ताला चेक करनी है, तो आए हम देखते हैं। सबसे पहले रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंसेस की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी फ़िलहाल कटआउट करते हैं रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंसेस की तरफ। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंसेस की तरफ हम जब चलेंगे तो उसमें हमने पहले हमने हिडन देखी थी। ठीक है, अब हम जो है ना रेगुलर बीरिश देखेंगे, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आप लोग इसको स्टडी करोगे डाइवर्जेंसेस को, या फिर आप लोग वैसे ओवरऑल देखते हो, तो ये टॉपिक्स थोड़ा सा साथ साथ रिटर्न कर लिया करो, क्योंकि जब जब आप इनको रिटर्न करोगे इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू यू। आप लोगों को पता चलेगा कि हमने जो स्टडी किया हम साथ उसको लिख भी रहे हैं, और आप लोगों के लिए ही ये बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो अब जब हम इसकी तरफ आए हैं डिस्कस करने, हमारा रेगुलर जो बुलिश डाइवर्जेंसेस है उसमें हम देखें, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइस होती है, जो मार्केट प्राइस होती है, वो हमें क्या शो करवा रही होती है जी, वो हमें शो करवा रही होती है लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट मेक्स लोअर लो। ठीक है, जैसे ट्रेंड लाइन से हमने डाइवर्जेंस चेक करनी होती है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले तो सेल ट्रेंड में थी ना। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पर पहुंची तो मार्केट का एक अच्छा लेवल है, लाइक सपोर्ट का लेवल है जैसे भी, तो मार्केट में हमने क्या देखा जी, मार्केट लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया। इंडिकेटर जो है ना वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन प्राइस जो मार्केट की बता रही है वो हमें मार्केट लोअर लो का स्ट्रक्चर दे रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। मार्केट मेक्स द लोअर लो, तो इंडिकेटर हमें क्या बताएगा जी, हायर लो। ठीक है, इंडिकेटर आप देखें MACD को, तो MACD क्या बता रहा है, हायर लो हायर हाइस्ट हायर लो। रेड भी देखें और दूसरी लाइंस भी देखें, रेड को देखेंगे जो आपकी MACD की स्ट्रक्चर है तो वो भी आपको यही चीज़ बता रही है। अब आप दो ट्रेंड लाइंस देखें, एक जो सिग्नल दे रहा है MACD वो, ठीक है, और दूसरा जो रेड है वो भी आपको हायर लो की स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो ऑब्वियसली यू कैन सी नाउ कि जब मार्केट एक ट्रेंड में होती है, ठीक है, जब हायर हाइज एंड हायर लोज होता है, तो हायर लो के बाद क्या बनेगा जी, ऑब्वियसली हायर हाई बनेगा। इसी तरीके से जब हम मार्केट में देखेंगे हमारे मार्केट के स्ट्रक्चर को, जो प्राइस बता रही है, तो प्राइस हमारी जो है वो एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस में क्या बता रही है, लोअर लो। तो लोअर लो लोअर हाई, और जब लोअर लो बना तो नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास जी, लोअर हाई। ठीक है, सो दिस इज द स्पाइक एंट्री। ठीक
ठीक है, कि जब आपको एक अच्छी स्पाइक्स की एंट्री मिलती है लोअर हाई के ऊपर, जब मार्केट लोअर हाई प्राइस बना रही होती है मार्केट के अंदर, सो ये आपको बताती है। अब डाइवर्जेंसेस आप लोगों को मैं बताऊं कि ये आपके स्टॉक ट्रेडिंग में भी, क्रिप्टो में भी, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी, यू कैन से अबाउट द बूम एंड क्रैश में भी, तो ऑल ओवर दी मार्केट जो ट्रेडिंग है उसमें काम करती है, जहाँ भी आप लोग देख लो। लेकिन शर्त ये कि आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया हो, कंडीशन ये कि आप लोगों को ये आती हो, कंडीशन ये कि आप लोगों ने उसको दिल से किया हो, लाइक आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से इसको काम में लेके आए हो, ठीक है। तो इस तरीके से डाइवर्जेंस आप लोगों की काम आती है। अब नेक्स्ट हम जो है थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं डाइवर्जेंस को। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी एक हमारी जो बुलिश जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, सॉरी बीरिश, रेगुलर बुलिश तो हमने स्टडी कर ली, इसमें हमें उसने बुलिश की एंट्री दी बाय की, ठीक है। अब हम चलते हैं बीरिश में। तो बीरिश जब हम हिडन डाइवर्जेंस की तरफ चलते हैं, तो वो आप लोगों को मैं बताऊँ, यहाँ पे आप लोग देखें एग्जैक्ट एग्जाम्पल मुझे मिली है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मुझे मिली थी, तो मैंने इसको एक हाईलाइट किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या चीज़ है, प्राइस क्या बना रही है, जो आपकी बुलिश सॉरी बीरिश हिडन डाइवर्जेंस, बीरिश रेगुलर डाइवर्जेंस है, प्राइस बनाती है आपकी हायर हाई एंड हायर लो। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब मार्केट बाय जा रही होती है ना, तो यही स्ट्रक्चर होता है उसका, हायर हाई एंड हायर लो बनाकर। तो मार्केट क्या बना रही है, हायर हाई। तो हायर हाई के बाद क्या बनता है, जाहिर सी बात है बच्चे को भी पता है, एक स्ट्रक्चर जब बता दिया जाए कि आप एक पाँव कदम रखते हो स्ट्रेट्स के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे कदम रखते हो, फिर ऊपर रखते हो, फिर नीचे रखते हो, इसी तरीके से आपने क्या किया, हायर हाई मार्केट में प्राइस आपको बता रही है, और इंडिकेटर क्या बता रहा है, ठीक है, लोअर हाई आपको बता रहा है, ठीक है। आप लोग देखें यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो एंड देन लोअर हाई, दिस इज द स्ट्रक्चर। आप लोग नीचे मैकडी का रेड सिग्नल भी देख लें, ऊपर भी देख लें, मार्केट लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रही है। इसी तरीके से प्राइस मार्केट में क्या कर रही है, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। अब सेम सिनेरियो सिचुएशन आपके सामने है कि भाई इंडिकेटर जब आपको लोअर हाई बता रहा है, तो इंडिकेटर क्या नेक्स्ट बताएगा, लोअर लो। मार्केट हायर हाई बता रही है, तो मार्केट नेक्स्ट क्या बनाएगी, लोअर सॉरी हायर लो, ठीक है। तो सेम सिनेरियो, मार्केट आपको एक अच्छी सी आपको स्पाइक सिग्नल देगी, और ये ऐसी डाइवर्जेंस टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर H1 के ऊपर आप लोग इनको फाइंड आउट करना सीख जाते हैं, तो आप लोगों के पास ये क्लास की एंट्री होगी, यहाँ से सेल की, ठीक है, स्पाइक एंट्री, ठीक है, और वहाँ से आपके पास बाय की स्पाइक एंट्री, ठीक है, जब हम यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बाय में स्पाइक एंट्री, यहाँ पे जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाती है, उसके बाद लोअर हाई बनाएगी, तो ये आपकी रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस होगी, और वो आपकी रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंसेस होगी, ठीक है। इसको आप एक्सटेंडेड भी कर सकते हो, क्योंकि आपने इसको फॉलोअप किया होता है। अब ये हम देख रहे थे भाई, हमने डाइवर्जेंसेस की टाइप देख ली, ठीक है। अब एक तो चीज़ ये है कि जो आपकी हिडन डाइवर्जेंसेस थी, जो हमने तकरीबन, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ पुरानी एग्जाम्पल्स पे, ये आ गई हिडन डाइवर्जेंसेस। जब हमने हिडन डाइवर्जेंसेस देखी थी हमने लास्ट पार्ट में, तो उसमें हमने ये देखा था कि ये ना कंटिन्यूशंस होती हैं, ट्रेंड को कंटिन्यू करती हैं, जैसे हायर हाई हायर लो, ठीक है, देन हायर लो है देन हायर हाई, ठीक है, इस तरीके से ये कंटिन्यूशन में आती हैं। लेकिन जो आपकी ये डाइवर्जेंसेस होती हैं, जो आपकी रेगुलर होती हैं, ये कंटिन्यूशन में आती हैं, ठीक है। इनको हम आगे जाके नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आपका जो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंसेस है, उसमें आप अगेन देखें, एक्सक्यूज मी, रियली सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट क्या कह रही है, लोअर लो स्ट्रक्चर दे रही है, प्राइस लोअर लो के बाद लोअर हाई बना, ठीक है, यहाँ पे अगेन लोअर लो बना, अब अगेन लोअर हाई बनेगा, एग्जैक्टली हमें डाइवर्जेंस स्पॉट होगी। इंडिकेटर भी देखना है, जो इख्तलाफ है, जो इंडिकेटर बता रहा है हायर हाई हायर लो बना रही मार्केट, तो इंडिकेटर आपको हायर लो देगा ताकि नेक्स्ट हायर हाई बने, ठीक है। ऑन द अदर सिनेरियो कि मार्केट आपकी क्या करेगी, कि आपकी जो मतलब इंडिकेटर है वो क्या बता रहा है, लोअर हायर, ठीक है, आपको बना के दे रहा है, और नेक्स्ट लोअर लो बनेगा, इसी तरीके से हायर हाई मार्केट बना रही है, तो नेक्स्ट हायर लो बनेगा। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अदर डाइवर्जेंसेस, विच इज द रेगुलर बुलिश एंड रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंसेस, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पार्ट 5 होगा इंशाल्लाह ताला, उसमें हम देखेंगे कि भाई हमने किस तरीके से मतलब और कौन से रूल्स होते हैं डाइवर्जेंसेस में जो हमने फाइंड आउट करने होते हैं, इसके अलावा हमने देखना है कि और ऐसी कौन सी मतलब हमारी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो हमने देखनी है, कि हमने कौन से रूल्स देखने हैं जो बूम एंड क्रैश में अगर हम फॉलो करते हैं और हमारी डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे लिए हेल्प होते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।